हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको दोस्त परवेज़ मोबाइल मास्टर। दोस्तों, हमारे पास नोकिया का मल्टीमीडिया फ़ोन आया है जिसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नोकिया के मल्टीमीडिया के फ़ोन की चार्जिंग कनेक्टर की रिप्लेसमेंट फुल प्रोसेस। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आपने देखा हमने मोबाइल खोल लिया है। मोबाइल खोलने के बाद हमारा पीसीबी पे जो ओल्ड कनेक्टर था चार्जिंग जैक, हमने उसको रिमूव कर दिया है। अब आयरन के सहारे से हम उसका जो पेस्ट था उसको रिशोल्ड कर रहे हैं और हमने पेट्रोल लिक्विड लगा के उसको ब्रश से साफ़ कर दिया। नया चार्जिंग जैक हमारे सामने आ गया, उसको रिशोल्ड करने के बाद हम उसको पीसीबी पे SMD के सहारे से फिट कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो भी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखो, SMD से हमने उसको टेम्परेचर के हिसाब से हीट कर लिया और अपनी चिमटी स्टेंसिल के सहारे हमने उसको उसके PCB पे लगा दिया है। देखिए, उसको बड़े हिसाब से सेट करना होता है, उसके जो बैक पे 5 पिन प्रिंट होते हैं उनको मिलाना होता है। ये जैक हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट लग चुका है। तो अभी कुछ हमें लगता है कि हमारा जैक प्रॉपर अगर नहीं बिठा है या कुछ रिसोल्डिंग के डाउट रहता है, तो हम उसको एक बार फिर भी अपने पेंसिल आयरन से उसको एक बार रिसोल्ड कर देते हैं, ताकि किसी भी तरह की हल्की फुल्की रिसोल्डिंग कहीं पर अगर छूट जाती है तो इसे प्रॉपर रिसोल्ड हो जाता है, ताकि किसी तरह की हमारी जैक में प्रॉब्लम ना आए और लॉन्ग लाइफ चार्जिंग जैक की हमारी रहे। तो दोस्तों देखो, ब्रश से हमने क्लीन करने के बाद अब PCB पे जो डिस्प्ले पर रबड़ लगा रखी थी, हम उसको वापस पैक कर रहे हैं डिस्प्ले क्लीन करने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना कर लें करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसे आपने वीडियो में देखा कि हमने बैटरी लगा दी और बाकी मोबाइल का बैक पैनल वगैरह फिट करने के बाद अब इसको हम ऑन करेंगे और चार्जिंग कनेक्टर हमने इस पर कनेक्ट कर दिया अपना USB V8 का पॉइंट। चार्जिंग स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी, और ये पुराना चार्जिंग कनेक्टर जो हमने इसका आउट कर दिया था जो ख़राब हो चुका था। अब ये नया कनेक्टर लगने के बाद देखिए चार्जिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, फिर हमने दोबारा से आपको दिखाया, ये हमारी चार्जिंग प्रॉपर चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इसी तरह की हमारी और वीडियो के लिए आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नए टॉपिक पर कौन सी वीडियो लाए। तो